गाइस ये तो एक कमाल की न्यूज है। जी हाँ, विंडोज का एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव जो कि जोरिन ओएस को माना जा रहा है। अभी करंट में इन्होंने 16.3 एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है जो कि काफी कमाल फीचर्स के साथ आता है। जिनको जोरिन ओएस के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स के तरफ से ही आता है, क्योंकि माना जा रहा है ये विंडोज से थोड़ा सा एडवांस है। और इसके यूआई यूएक्स की बात करें तो वो और जबरदस्त होने वाला है 16.3 के अंदर। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हाल में इन्होंने 16.3 जो वर्जन है वो रिलीज किया है, जिसके अंदर एक क्षमता है कि वो विंडोज का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इट कैन किल विंडोज। के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं और कुछ फीचर्स जो है विंडोज के कॉम्पिटेटिव में काफी ज्यादा एडवांस है। दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, हर दिन कुछ नया ला रहे हैं वो। 16.2 में क्या था कि विंडोज में वहां पे इनका एक सॉफ्टवेयर था जिसमें विंडोज का ऐप भी उसके अंदर सपोर्ट करता है जोरिन ओएस के अंदर। तो अभी 16.3 में तो और भी जबरदस्त कुछ लाया होगा, तो सब चीज के बारे में आगे जरूर हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी क्या इंटरफेस है, कैसे इंस्टॉल करना है सारी चीजें। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो ओपन सोर्स होता है और फ्री टू यूज है, कमर्शियली भी आप इसको फ्री कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में इजिली यूज कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर लिब्रा ऑफिस को भी अपडेट किया गया है, काफी एडवांस किया गया, जैसे एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एमएस ऑफिस हुआ करता है, उसी तरह इसमें लिब्रा ऑफिस को भी काफी अपडेट किया गया है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे विंडोज 10 था, 10 के बाद 11 आया बिना कोई डेटा लॉस किया, आप 11 में अपडेट कर पा रहे थे, एक्जैक्टली उसी तरह 16.2 में अगर आप हैं अभी तो 16.3 में विदाउट डेटा लॉस डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, अदरवाइज इसका बैकअप लो, बैकअप लेने के बाद फिर से वापस से इसका जो है 16.3 का जो ISO डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फिर जाके ये प्रोसेस करना पड़ता है। विंडोज में ऐसा सीन नहीं है, 10 से डायरेक्टली आप 11 में अपडेट कर सकते हो, उसी तरह 16.2 से 16.3 में अपडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हम आपको जो नया वर्जन है 16.3 उसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे और कैसे ये विंडोज का किलर है वो भी आप देख के समझ पाएंगे, खासकर इसका UI UX और लोडेड फीचर्स के साथ ये आता है। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस काम को करने के लिए आप आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम के अंदर, यहाँ पे जोरिन OS टाइप कर देंगे और पहले वाला उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत सा वेबसाइट है ये, यहाँ पर डाउनलोड जोरिन ओएस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जोरिन ओएस का 16.3 जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे और यहाँ पे देखेंगे जोरिन ओएस फ्री है। और सबसे खास बात ये कि लो एंड पीसी के लिए भी 16.3 रिलीज हुआ जो कि इसका लाइट वर्जन है, आप 15 साल पुराने सिस्टम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मेरे केस में मेरा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अच्छा है तो मैं यहाँ से इसको जोरिन ओएस को इजिली डाउनलोड में लगा देता हूँ। यहाँ से आपको ईमेल मांगेगा ताकि ये ईमेल वेमेल भेज सके आपको, द नेक्स्ट प्लीज चेक योर इनबॉक्स टू डाउनलोड योर कॉपी ऑफ जोरिन। हम इसको स्किप एंड डाउनलोड करेंगे तो ये मेरा डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2.something GB का फाइल है, इसको अपन डाउनलोड हो जाने देते हैं एक बार। गाइस, मैंने जोरिन ओएस को डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 बिट में। अभी मैं रूफ़ुस रखा हूँ, जो बेसिक इंस्टॉलेशन बेसिक जो बूटेबल पेन ड्राइव आप बनाते हैं उसी प्रोसेस से आप बूटेबल एक पेन ड्राइव बना लेंगे। मेरे केस में मेरा पेन ड्राइव अभी अटैच है जो विंडो 10 नाम से है और यहाँ से इसका मैं ISO इसके अंदर डाल दूंगा और जो जैसे ऑप्शन रहेगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन। यहाँ से स्टार्ट ओके करेंगे, यस करेंगे और ये कहेगा आपके पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे, तो ऐसे ओके फॉर्मेट कर दो। बस ये एक बार जब हो जाता है तो इस पेन ड्राइव को निकालेंगे और अपने सिस्टम में डाल के बूट करेंगे जोरिन ओएस से। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब ये एक बार पेन ड्राइव रेडी हो जाए, बूटेबल हो जाए, इसको निकाल लीजिए। इस पेन ड्राइव को यूज करके इस वाले लैपटॉप के अंदर हम जोरिन ओएस इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार अपन इसको लैपटॉप के अंदर लगा लेते हैं, लगाने के बाद इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। ESC बटन प्रेस करने से यहाँ पे हमको बताएगा कि आपके बूट मेन्यू में जाने के लिए कौन सा की है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे बूट मेन्यू में जाने के लिए मेरे पास F9 हमको प्रेस करना पड़ेगा, तो हम F9 प्रेस करते हैं। और यहाँ पे जब आ जाएंगे F9 प्रेस करके तो मेरे में सोनी का जो पेन ड्राइव लगा हुआ वो यहाँ शो कर रहा है, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, 8 सेकेंड में ये बूट हो जाएगा, तो ट्राई टू इंस्टॉल जोरिन ओएस, सेफ ग्राफिक्स, तो हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो 3 सेकेंड में ये ऑटोमेटिक बूट ले लेगा उस पर्टिकुलर जोरिन ओएस वाले पेन ड्राइव से। कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें कि जो सारे फाइल्स हैं वो 64% कंप्लीट हो चुका है जोरिन। गाइस, इस तरह का जो ओएस होता है उसका एक खास बात ये होता है कि आप इसको इंस्टॉल किए बिना उसका सारा चीज़ यहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका सारा दिखा देना चाहता हूँ इंस्टॉल होने से पहले कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है। नीचे विंडो के साइड में ही यहाँ पे आप देख सकते हो इसने Z का लोगो डाल रखा है जो जोरिन का लोगो है, और वहाँ पे जाओगे तो आप पहला नंबर आपको एक्सेसरीज मिलता है, एक्सेसरीज के अंदर जो आपको क्लॉक्स मिल जाते हैं, फाइल, मैप, टेक्स्ट एडिटर, ये सब चीज़, वेदर ऐप सब मिलता है।
गेम्स के अंदर जाओगे तो बेसिक छोटा मोटा गेम होता है इसके अंदर, सुडोकू वडोकू टाइप का। ग्राफिक्स के अंदर जाओगे तो यहाँ से इमेज व्यूअर हो गया, फोटोज़ हो गया, ये सब इसके अंदर पड़ा होता है। तो बहुत बेसिक सा है यहाँ पर पड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इसने यूज़। ऑफिस में मैंने पहले ही बता रखा लिब्रा ऑफिस जो ओपन सोर्स है, फ्री है, वो यूज़ करता है ये। और इसके अंदर 16.3 के अंदर तो खास ये काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड। सिस्टम टूल के अंदर आओगे तो यहाँ पे बूट रिपेयर, और यहाँ से डायरेक्टली आप परमानेंटली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, अपने हार्ड डिस्क के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हो 16.3। यूटिलिटी में क्या पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर है, बैकअप्स ले सकते हो। और यहाँ से अगर आप सेटिंग के अंदर आ जाते हो तो सेटिंग के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि वाईफाई अगर कोई अवेलेबल है तो वो दिखाएगा, नेटवर्क, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, ऑनलाइन अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ जो अवेलेबल होता है वो सब है इसमें पड़ा हुआ। ये लिब्रा ऑफिस है, बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यही पड़ा होता है। यहाँ पे कुछ आपको कोई पैसे वैसे देने नहीं होते, सारी चीज़ें इसमें फ्री होते हैं, तो लिख के यूज़ कर सकते हो इसको। जैसे कि MS ऑफिस में MS वर्ड यूज़ करते हो, वैसे ही इसमें लिब्रा ऑफिस पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको विंडोज़ के कंपेयर में, बिल्कुल फ्री है। और 16.3 में तो और भी ज़बरदस्त फीचर सब आ गए हैं। अगर आप 2 अभी यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप इसको अपडेट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल करने का यहाँ से आपको सारा प्रोसेस आपको बता देता है। कंटिन्यू कर लो, अपना लैंग्वेज होंगे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लो, अपना हार्ड डिस्क वर्डिक्स यहाँ से सेलेक्ट कर लो जो करना है आपको। यही एक बेसिक प्रोसेस है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इजीली इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़बरदस्त है, और जो जो चीज़ें इसके अंदर पहले से इंस्टॉल पड़ी हुई हैं वो मैं आपको दिखा दिया है। बट अगर आप चाहते हो इसके अंदर विंडोज़ का भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो तो इसके लिए यहाँ पे एक पड़ा होगा विंडो एप्लीकेशन करके, इसको आप इंस्टॉल कर लो। और इससे क्या होगा कि विंडो के सारे एप्लीकेशन आप इसमें यूज़ कर पाओगे, जैसे कि क्रोम हो गया जो बेसिक यूज़ के लिए किया जाता है, या फिर MS ऑफिस हो गया, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। खास बात ये है कि सबसे फ्री है और काफ़ी अपडेटेड है और काफ़ी फास्ट है, लो एंड PC के लिए भी अवेलेबल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।